हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये वीडियो का मोटिव बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ दोस्तों। ये वीडियो का मोटिव यही है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो पार्ट में होने वाला है। क्योंकि जब भी मैंने पहले सर का ये रेफरेंस इमेज मैंने चूज किया था, तभी मुझे काफ़ी सारी डिटेलिंग वर्क, इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग वर्क दिखाई दिए है दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये वीडियो को मैं पार्ट में ही लाने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि पार्ट में लाऊंगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे डिटेलिंग वर्क करनी है, कैसे हेयर रियलिस्टिक बनाने हैं, कैसे फेस स्ट्रक्चर को आपको डिटेल करना है, वो सब डिटेलिंग वर्क इस वीडियो में होने वाले है दोस्तों। तो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, हर एक पार्ट देखिएगा इस वीडियो का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने के लिए मिलने वाली है। जैसे कर्ली हेयर हो गए पहले सर के, वो काफ़ी सारी रियलिस्टिक वर्क होने वाली है दोस्तों। तो मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए मैं कैमलिन की सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों। कर्ली हेयर के आगे के डिटेलिंग वर्क मैं ऐसे ही आपको बता दे रहूँगा, वीडियो के बीच बीच में जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए वहाँ पे मैं डेफिनेटली बता दूंगा आपको दोस्तों। हमेशा आपकी डिटेलिंग वर्क आपके रेफरेंस इमेज के हिसाब से ही होनी चाहिए दोस्तों। हमेशा आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे रिफ्लेक्शन है, कहाँ पे लाइट शेड है, कहाँ पे डार्क शेड है, कहाँ पे हमें डार्क वैल्यूज ऑप्ट करने हैं, कहाँ पे हेयर फ्लो दिखाना है, वो आपको रेफरेंस इमेज के हिसाब से आपको करना है, तभी ये एक्यूरेट लगेगा दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ पे एक नई टेक्निक आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप कोई भी रेफरेंस इमेज के कर्ली हेयर बनाते हो, तब कोई भी आप जब चारकोल पेंसिल या ग्रेफाइट पेंसिल यूज करते हो, तो उसे राउंड शेप में ही घुमाने की कोशिश कीजिए, तभी वो एक्यूरेट कर्ली हेयर लगेंगे और आपको ज़्यादा डिटेलिंग वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कर्ली हेयर दिखाने के लिए। तो ये टेक्निक मैंने मेरे आर्ट वर्क में यूज़ किया है दोस्तों। आप भी आपके आर्ट वर्क में ऐसे यूज़ करके मुझे बताइए कि आपकी टेक्निक ये काम कर रही है कि नहीं, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि ये मैंने नई टेक्निक यूज़ की है, इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी वो आर्टवर्क रियलिस्टिक लगेंगे दोस्तों। क्योंकि मैं हमेशा मेरे आर्टवर्क में यही टेक्निक का यूज़ करता हूँ कर्ली हेयर बनाने के लिए, तो आप भी यूज़ कीजिए। देखिए दोस्तों, हेयर के डायरेक्शन ऑप्ट करने के लिए मैं यहाँ पे टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके दिखाऊंगा आपको कैसे डिटेल्स करने हैं। देखिए जहाँ पे मुझे व्हाइट वैल्यूज ऑप्ट करने हैं, वहाँ पे मैं रोली जेल पेन का यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों। आप भी आपके आर्टवर्क में ऐसे इसी तरीके से रोली जेल पेन का यूज़ कीजिए जब आप वाइट डिटेलिंग वर्क करते हो। देखिए कितने इजी तरीके से मैंने ये टेक्निक यूज़ की है मेरे आर्टवर्क में, आप भी ये टेक्निक का यूज़ कीजिए दोस्तों आपके आर्टवर्क में। हमेशा इसी तरीके से डिटेलिंग वर्क करनी है रोली जेल पेन से, जहाँ पे वाइट हाईलाइट है तो आपको ऐसे ही ऑप्ट करनी है जैसे मैं ऑप्ट कर रहा हूँ। जब भी आप कर्ली हेयर के डिटेलिंग वर्क के लिए रोली जेल पेन का यूज़ करते हो, तभी बाकी के डिटेलिंग वर्क भी आपको कर लेनी है, जहाँ पे डार्कस एरिया है वो भी अच्छी तरीके से ऑप्ट करना है दोस्तों आपको, नहीं तो वो रियलिस्टिक नहीं लग पाएगा। अभी आपको रेफरेंस इमेज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना ज़रूरी है दोस्तों, कहाँ पे लाइट शेड है, डार्क शेड है, कहाँ पे वैल्यूज ऑप्ट करने हैं, कहाँ पे डिटेलिंग वर्क करनी है, कहाँ पे आपको शेडो दिखाना है, वो सब काफ़ी डिटेलिंग वर्क इसमें है, तो वो कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे डार्क शेड के वैल्यूज़ को ऑप्ट कर लूँगा दोस्तों, क्योंकि डार्क शेड के वैल्यूज़ ऑप्ट करने के लिए आपको कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप पेंसिल चला दीजिए डार्कर शेड के लिए। देखिए दोस्तों, ये कर्ली हेयर कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं दोस्तों, काफ़ी डिटेलिंग वर्क लग रहा है इसमें और काफ़ी एक्यूरेट लग रहा है दोस्तों। आप भी ये दो डिटेलिंग वर्क आपके आर्ट वर्क में यूज़ कीजिए, तभी ऐसे रियलिस्टिक कर्ली हेयर आप बना पाओगे दोस्तों।